देख रहे हैं उनके जो सवाल थे कि यहाँ पे खाली मुसलमान रहते हैं या हिंदू भी रहते हैं, या इसके अलावा जो आप कहते हैं कि इंडिया वाले फायरिंग नहीं करते, पाकिस्तान वाले करते हैं, सारे हम सवाल इधर भाई से पूछेंगे और आप लोगों को बताएंगे, आपका जो गिला शिकवा है ना वो आपको दूर कर देंगे। अरे यहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं कोई? आप यहीं कश्मीरी हो या कश्मीरी बोलनी आती है? और यहाँ सारे कश्मीरी जो भाई हैं ना उनके घर हैं, और यहाँ पे अभी हम लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पे लोग कैसे सर्दियों में गुजारा करते हैं और अपना यानी कि खाने पीने का निज़ाम वो कैसे चलाते हैं, और बिजली होती है यहाँ पे नहीं होती? या बिल्कुल साथ पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर भी लगता है, और इंडिया वाले कहते हैं 2025 तक हमने कब्ज़ा कर लेना है यहाँ पे। इंडिया में हो गए या बाहर के मुल्कों में हो गए अंग्रेज़, वो कहते हैं हमें जब कश्मीर के जो लोग हैं ना उनके घर दिखाओ कि वो सर्दियों में कैसे गुजारा करते हैं। क्या ये बिस्तरा भी लगा हुआ है? ठीक है, सामने खिड़की है, और ये इनके बर्तन शर्तन पड़े हैं जबरदस्त। ये उस तरफ मिट्टी की दीवार है या पीछे लकड़ी की दीवार भी? जी जंगली लोग का कुल शीशे तो कुल गंद, न कोई पानी है, न कोई सफाई है, न कोई नहीं। सर्दियों में पानी का बड़ा मसला होगा, पानी कहाँ से लेके आएंगे? हाँ, तो पानी फिर कैसे लेके आते हैं? पैर जो है वो बर्फ में खूब रहे हैं। ऊपर जो है ना पाकिस्तान के और इंडिया के जो है ना वो फौजी बैठे हुए हैं, बॉर्डर है ऊपर वहाँ पे, देख लें खुद भी देखने के लिए और आप लोगों को भी दिखाने के लिए वीडियो बनाते हैं। प्लीज आप वीडियो को यहाँ पे लाइक जरूर कर दें। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर ओ सामने इंडिया का पोस्ट एक नजर आता है। यहाँ से कोई फायरिंग वगैरह तो नहीं करते इंडिया वाले? सामने जितने भी मकान है ये जल गए थे, तो पाकिस्तानी नहीं फिर करते यहाँ से फायरिंग? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। क्या सबसे पहले बाहर का नजारा चेक करवाते हैं? ओए ओए कमाल है, ये चेक करें। ओए 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 सारे आ रहे हैं। ओए 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 ये चेक करें पीछे बैक साइड, अभी भी बारिश हो रही है, अभी ये थोड़ी देर में जो है ना स्नो बन जाएगी, स्नो होना शुरू हो जाएगी। ये जो बर्फ है ना ये वो बन चुकी है, टाइप नहीं होती इस पर ना सही तरीके से चला जा रहा है, ना बाइक चलेगी ना गाड़ी चलेगी। लेकिन जो मुकामी लोग हैं ना वो यहाँ के गाड़ियाँ भी चला रहे हैं, बाइक भी चला रहे हैं, पता नहीं वो कैसे चला रहे हैं, हमसे तो नहीं चल रही। और इसके अलावा अभी यहाँ पे जिधर मैं रह रहा हूँ यहाँ के काफ़ी ज़्यादा कश्मीरी लोग हैं। आप लोग कह रहे थे ना इंडिया से कि यहाँ पे कश्मीरी लोग नहीं रहते, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे कश्मीरी लोग रहते हैं और कश्मीरी बोलते भी हैं। आप कह रहे थे कि पंजाबी नहीं बोलते, पंजाबी बोलते हैं, कश्मीरी बोली नहीं बोलते, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं सारी। हम जो हैं अब वो ऊपर गाँव में जा रहे हैं। यार गाँव का क्या नाम है? ये इस गाँव का नाम है चांगन। चांगन, हाँ ठीक है। ऊपर वाले गांव का नाम भी चांगनी है? ऊपर वाले गांव का नाम है हेरी 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 गांव का नाम है। मौसम जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो गया, धूप निकल आई है, लेकिन वीडियो के साथ साथ ये चलना है ना ये बहुत मुश्किल है। पर हम जो मेन जाने की वजह है ना ऊपर ये है कि हम आप लोगों को दिखाएंगे कि वहाँ के लोग जो हैं ऊपर कैसे गुजारा करते हैं, क्या करते हैं ऊपर, खाना पीना उनका क्या है, रहते कैसे हैं इतनी बर्फ़ में, और जो भी उनकी मुश्किलात हैं वो आप लोगों को बताएं। वो लोग इंडिया से देख रहे हैं उनके जो सवाल थे कि यहाँ पे खाली मुसलमान रहते हैं या हिंदू भी रहते हैं, या इसके अलावा जो आप कहते हैं कि इंडिया वाले फायरिंग नहीं करते, पाकिस्तान वाले करते हैं, सारे हम सवाल इधर भाई से पूछेंगे और आप लोगों को बताएँगे, आपका जो गिला शिकवा है ना वो आपको दूर कर देंगे। यहाँ के मुकामी लोग ही आप लोगों को खुद बताएंगे कि कैसे हम यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं जी। ठीक है, ये देख सांस चढ़ गया। इधर कराची की और लाहौर की रोड नहीं है? हाँ ये कराची और लाहौर का रोड नहीं है,
अच्छा यहाँ स्कूल को सर्दियों में कितनी छुट्टियाँ होती हैं स्कूलों में? 10 छुट्टियाँ बस, लाहौर में भी 10 होती हैं। 10 दिन इधर तो ज्यादा होनी चाहिए, महीना तो होनी चाहिए। नहीं, गर्मियों में जैसे वहाँ पे हमारे ना 2-3 महीने छुट्टियाँ होती हैं, तो इधर सर्दियों में 2-3 महीने होनी चाहिए। नहीं नहीं, इधर 2-3 महीने नहीं। बर्फ आप देख रहे हैं कितनी कितनी है यहाँ पे। अब ना अंदर ही अंदर पसीना आ रहा है, सर के में भी पसीना आ गया और अंदर जिस्म में भी पसीना है। एक घूंट देना जरा पानी, पानी भी ठंडा हो गया। बहुत ठंडा पानी है। अरे यहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं कोई? नहीं नहीं, नहीं। यहाँ पे या पूरे कश्मीर में पाकिस्तान वाली साइड पे? नहीं नहीं, हिंदू नहीं रहते? नहीं, इधर सब मुसलमान। यार उधर से जो इंडिया के लोग हैं ना, इंडिया सारी में मेरे वाले साहब घूम कर आए इंडिया सारी में? जी जी। अच्छा, नहीं मैं बता रहा हूँ कि वहाँ के जो इंडिया के लोग हैं ना, वो कहते हैं कि यहाँ पे हिंदू रहते थे, उनको मुसलमानों ने मार दिया। हाँ हाँ हाँ, सही कहते हैं? सही कहते हैं। मार के भगा दिया? जी जी, क्या जी किया? फेंक दिए, फेंक दिए दरिया में। जी जी। ओ तेरी निकाल दिया ना, सही अच्छा, किया। मारा नहीं है यानी कि वैसे उधर भेज दिया। हम लोगों के जेड़े बच्चे थे ना, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते थे। अच्छा, ठीक है। वो कह रहे थे हम जैसे ऐसे ही आप पे, लेकिन वो नहीं कहते। अच्छा, वो छप कर पहाड़ों के नीचे छप कर नमाज अपनी अदा कर। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए। सही, तो आप यहीं कश्मीरी हो या? नहीं नहीं, हम इधर ही के रहने वाले हैं। इधर वो एक तो जेन्युइन कश्मीरी नहीं हो असल वाले? नहीं नहीं, यहाँ पे रहते हैं कश्मीरी कोई? कश्मीर के इधर से कोई भी नहीं है। उन क्यों? नहीं नहीं, निकाल दिए ना। नहीं, जो कश्मीरियों को निकाल दिया? जी जी। जो मुसलमान थे वो किधर गए? मुसलमान इधर ही रह गए ना। अच्छा, तो नहीं तो मुसलमान भी तो कश्मीरी थे ना? मुसलमान आधे उधर चले गए ना। अच्छा, कश्मीर। हाँ, तो आधे इधर ही रह गए। नहीं, जो इधर के असल वाले कश्मीरी हैं, कश्मीरी बोली आती है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ कश्मीरी जिसको बोली आती है उससे कोई बातचीत कराओ, उसकी थोड़ी बोली देखनी है। कश्मीरी जेड़ी जेड़े लोग करते हैं ना, वो इस ग्रांत तो पीछे आगे आगे आगे। अच्छा, अभी भी हम ऊपर जा रहे हैं और तकरीबन हमें 1-1.5 घंटा हो गया, शायद ज़्यादा हो गया। सांस फूल रहा है, पीछे का व्यू चेक करें। बोला भी नहीं जा रहा, टांगों की जो नाड़े हैं ना ऐसे टाइट हो गई। वाह। तो जी हाँ दोस्तों, अब जो है हम ऊपर सहरी गांव में आ चुके हैं और यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पैर, दिखाओ भाई कितनी कितनी, ये देखें पैर भर गए हैं बर्फ़ से। और अब मैं थोड़ा सा दूर जाके ना व्यू दिखाता हूँ। ओह, बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। सहरी गांव का नाम है और यहाँ सारे कश्मीरी जो भाई हैं ना उनके घर हैं। और यहाँ पे अभी हम लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पे लोग कैसे सर्दियों में गुजारा करते हैं और अपना यानी कि खाने पीने का निज़ाम वो कैसे चलाते हैं, और बिजली होती है यहाँ पे नहीं होती, सारा इसके बारे में हम मालूमात लेंगे। और आप लोगों के जो इंडिया से सवालात थे ना, जो आप कहते हैं कि यहाँ पे हिंदू रहते हैं नहीं रहते, वो भी हम पूछ लेंगे। और यहाँ पे फायरिंग वगैरह होती है या नहीं होती, वो भी हम पूछेंगे। और इसके अलावा और भी जितने सवाल थे ना, हम यहाँ के मुकामी कश्मीरी लोगों से पूछेंगे। तो आपने हमारे साथ रहना है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? चले हैं हमारे साथ, चले। हेलो बच्चों, क्या हाल है, ठीक हो? क्या क्या नाम है आप लोगों के? नाम बताओ ना, ऊंचा ऊंचा बोलो। मुनीब रसूल। आपका क्या नाम, अपना अपना नाम बता दो। हैदर अली। वाओ माशाल्लाह। और छोटी आपका? शर्मा रही है, बच्चियाँ शर्मा रही है। ये क्या बना रहे, भालू? भालू इसको
पोस्ट है। वो पोस्ट है जी। अच्छा चेक पोस्ट बना रहे हो फौजियों वाली जी। सही है। चलो इधर की रहने वाले हो जी। ये साथ रहने इधर ही। सही है। बच्चे खेल रहे हैं बर्फबारी में। ये पहली बर्फबारी हुई है? ऐसे पहले भी हुई थी? ये पहली हुई है। तो जी पहली बर्फबारी भी हमने देख लिया। जो कश्मीर में पहली बर्फबारी होती है ना, वो भी हमने बिल्कुल ताज़ा स्नोफॉल है। और ये ना पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर भी है, या बिल्कुल साथ पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर भी लगता है। दूसरी साइड पे जो है वो इंडिया के पहाड़ हैं, उसके उस तरफ इंडिया की आबादी है। जो कश्मीरी लोग रहते हैं ना, वो दूसरी साइड पे कश्मीरी लोग रहते हैं। इंडिया वाली साइड जो इंडिया का कश्मीर है, ये पाकिस्तान का कश्मीर है। और इंडिया वाले कहते हैं 2025 तक हमने कब्ज़ा कर लेना है यहाँ पे। अजीब बातें करते हैं वो। कि जिधर रह रहे हो उधर रहो, सुकून से रहो। कब्जा करना कोई आसान बात है? अगर आप अंदर से घर शर देखना हो कि सर्दियों में कैसे गुजारा करते हैं आप लोग। गुजारा करते हैं बस बैठे हमारे लोग जो देखते हैं ना वीडियो, वो कहते हैं हमें ज़रा दिखाओ दूसरे शहरों से, पाकिस्तान से हट के जो रहते हैं ना, इंडिया में हो गए या बाहर के मुल्कों में हो गए अंग्रेज़, वो कहते हैं हमें जब कश्मीर के जो लोग हैं ना उनके घर दिखाओ कि वो सर्दियों में कैसे गुजारा करते हैं और गर्मियों में क्या करते हैं, सर्दियों में क्या करते हैं। बस अल्लाह पूछे ना फिर। वो तो अल्लाह ही करता है सब कुछ, लेकिन कोई होता है निज़ाम के सर्दियों में हमने ये निज़ाम रखा है अगर बर्फ़बारी ज़्यादा पड़ जाए तो हम फिर ऐसे रहते हैं। तो आप दिखा सकते हैं कुछ? चलें जी हम दिखाते हैं आपको अंदर से क्या निज़ाम। ये जी घर है, 3 मंजिला, ऊपर बर्फ़ जमी हुई है इसकी, ऊपर से पानी बर्फ़ पिघल के जो है ना वो पानी में नीचे गिर रहे हैं। 2 मंजिला घर है। तो इनके हम अंदर जा रहे हैं, आप लोगों को चेक करवाते हैं कि यहाँ पे लोग कैसे गुजारा करते हैं। ये देखें, ये ऊपर जाने के लिए ना सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब देखो यहाँ देखिए, ये जी पहली मंजिल है। अस्सलाम वालेकुम। ये सारा लकड़ी का घर बना हुआ, ठीक है। ये सामने भी है, ये देखें। एक मिनट, अच्छा ये आपने सर्दियों के लिए बनाया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा ये अंगीठी लगी है, यहाँ से इसका सारा धुआं जो है वो बाहर चला जाता है। ये मिट्टी का ये बना हुआ है, ठीक हो गया। ये खिड़की भी रखी हुई है। अच्छा ये बर्तन किस लिए है? ये वाले बर्तन पानी, अच्छा पानी शानी गर्म करने के लिए, ठीक है ठीक है। किचन भी यही है, यहाँ पे सारा चाय पानी रोटी छोटी यही बनती है, ठीक है। ये बिस्तरा भी लगा हुआ है, ठीक है। सामने खिड़की है, और ये इनके बर्तन शर्तन पड़े हैं जबरदस्त। ये उस तरफ मिट्टी की दीवार है या पीछे लकड़ी की दीवार भी? मिट्टी की। लकड़ी नहीं है पीछे? पत्थर है। अच्छा पत्थर है पीछे और उसके आगे मिट्टी मली हुई है, ठीक हो गया ठीक हो गया। एक कमरा, बस यही मकान, ठीक। एक कमरा ऊपर है, ऊपर से देख सकते हैं? देख ओ, वीडियो शीडियो बनाई दी है ना, लोग देख देने वो कहते ने के कोई गल नहीं, जैवे वो पंजाबी समझ आती, पंजाबी समझ आती है के उर्दू ही? उर्दू जंगली लोग नहीं, वो सफाई सफुई का कोई नहीं, वो देखना ही ये चाहते हैं कि लोग रहते कैसे हैं। ये बाहर से पाकिस्तान से बाहर से ना अंग्रेज और इंडिया के लोग वो मैसेज करते हैं कि आप हमें दिखाएं कि लोग कश्मीर के लोग ना कैसे जिंदगी गुजारते हैं इतनी बर्फबारी में। वहाँ पे ना गैस है ना सहूलते हैं, तो कैसे गुजारते हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, क्या करते हैं? वो कहते हैं हमें दिखाओ वो बना के गुजारा करते हैं। ये जी दूसरी तीसरी मंजिल है, ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए ये जी छत आ गई है, ओ बर्फ गिरी है। ये क्या पड़ा हुआ है? बीच अच्छा अच्छा। ये जी जान नमाज है, नमाज पढ़ने के लिए। ये ऊपर भी अगवा जानवर वगैरह भी हैं, कोई बकरियां शकरियां? बकरियों के पीछे ना ले, पीछे उनकी लादा जगह बनाई हुई है। तो आपको कश्मीरी बोलनी आती है? कश्मीरी बोली कश्मीरी नहीं आता, बस उर्दू करते। उर्दू कश्मीरी नहीं बोलनी आती? अच्छा तो कश्मीरी यहाँ पे कौन बोलता है?
बस वो बोल देना किधर आगे यही तो देखना लोगों ने सफाई सफुई नहीं देखते वो इस मुल्क को पानी नहीं है तकलीफ है अच्छा लकड़ भी दूर रहेंगी इस हर लकड़ भी नहीं पानी की तकलीफ है इस मुल्क को बस लकड़ियाँ यानी कि दूर से लेके आते हैं दूर रह कर आने हैं अच्छा अब सर्दियों में पानी का बड़ा मसला होगा पानी कहाँ से लेके आएंगे तो पानी फिर कैसे लेके आते हैं ये जो चश्मे आ रहे हैं उसी थोड़ा पानी आता है पीने का भी मसला फिर उसको गर्म करना फिर लकड़ियाँ नहीं होंगी तो फिर वो आग कैसे जलाएंगे आप लोग सही सही वैसे ही देखने घूमने फिरने ऐ देखने आया चिकड़ बर्फ ते गांधी देखने आया चिकड़ बर्फ गंद देखने आया पर मेरी पंजाबी समझ में आती है कि नहीं आती चल शुक्रिया बड़ी मेहरबानी ये घर था ये देख पैर जो है वो बर्फ में खूब रहे हैं ये कब्रिस्तान है कब्रें बनी हुई हैं ये देखें जी जगह जगह पे ना छोटे छोटे कब्रिस्तान बने हुए हैं तो ये कब्रें हैं चल जा रहे हैं और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा पॉइंट आया था तो मैंने कहा यार कि यहाँ पे भाई से ना वीडियो बनवाते हैं पीछे आप देख रहे हैं क्या खूबसूरत नजारे हैं बादल चेक करें ओए होए होए और वो जो पीछे पहाड़ है ना वो इंडिया का मेरे पहाड़ है इसके बैक साइड पे इंडिया पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है ना वो वहाँ पे ये जो पहाड़ नजर आ रहे हैं ये दिखाइएगा जरा ये वाले इस पहाड़ की बैक साइड पे भी इंडिया ये सारा पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है ऊपर जो है ना पाकिस्तान के और इंडिया के जो है ना वो फौजी बैठे हुए हैं बॉर्डर है ऊपर वहाँ पे जी। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से पीछे चेक करें और ये पीछे खाई है काफ़ी गहरी तो यहाँ मैं पत्थर के ऊपर खड़ा हूँ तो अभी हम नीचे जा रहे हैं उनका चलो आप लोगों को ये ज़रा खूबसूरत मनाजिर दिखा दें ठीक है चलो आज अब हम आगे शारदा की तरफ जा रहे हैं देखो आज रात कहाँ पे होती है या अल्लाह पाक आज का सफ़र जो है ना खैर खरीत से गुजरे एक दफ़ा भी ना घिरे मैं और खैर आफियत के साथ मैं शारदा या केल तक पहुंच जाऊं को बताना था कि आप पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे हिंदू नहीं रहते तो वो आगे शारदा गाँव वहाँ पे हिंदू रहते हैं वहाँ पे जाके हम उनसे मिलेंगे और वो उनसे बातचीत करेंगे उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे आप मुसलमान आपको तंग तो नहीं करते कैसी जिंदगी गुजर रही है यहाँ पीछे पीछे शुरू में जो है हिंदू नहीं रहते ठीक है पंडित जिसे कहते हैं ना पंडित कह रहे थे पंडित किधर गए तो इस तरह का कुछ आगे रहते हैं पंडित वगैरह जो भी लेकिन अब यहाँ पे मंदिर वगैरह नहीं है कोई भी नहीं है छोड़ छाड़ के चले गए हैं लेकिन इंडियन कहते हैं कि मार दिया तो पता नहीं क्या दरिया में फेंक दिया इस तरह की कोई बात नहीं है सड़क साफ मिले बस सड़क पे बर्फ मिल गई ना तो लेने के देने पड़ जाने हैं और मेरा कैमरा जो है ना वो भी बस कभी बंद हो जाता है कभी चलता ही नहीं है समझ नहीं लग रही क्या हो रहा है उसके साथ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ओ तेरी खैर है बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये जो बर्फ जम जाती है ना यहाँ पे स्लिप होती है या अल्लाह पाक हिफाजत करें उतराई आ गई है अल्लाह खैर करे जल्दी कोई नहीं है बस सुकून से आराम से ये चेक करें ये आपको पता है ये कौन सी जगह है नहीं बता दो इसमें ये जिला नीलम तेजिया तेजिया हाँ तेजिया अच्छा यहाँ से इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर ओ सामने इंडिया का पोस्ट एक नजर आता है अच्छा यहाँ ये
अच्छा ये सफेद पहाड़ी। अच्छा वहाँ पे इंडिया के पोस्ट। हाँ हाँ ये सफेद ऊपर हमारी पोस्ट है, नीचे इंडिया का छोटा सा वो नजर आता है छोटा सा। अच्छा और भी कोई मालूमात की चीज है तो बता दो इसमें। बस ये तेजी है, इससे आगे शारदा आता है। अच्छा। और उसके बाद केल आता है, फिर आगे ताऊबाट आता है। ताऊबाट अभी बहुत दूर है। हाँ। तो बस ये खास तेजी है। चलो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके यार। जी जी दिखाना। बस जिला नीलम है ये। आप भाई किधर से आए हो? मैं लाहौर से। लाहौर? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत दूर आए हो घूमने के लिए। अल्लाह की कुदरत देखने आए। और जो मेरे ना वीडियो देखते हैं इंडिया से लोग, जी जी, वो कहते हैं यहाँ पे हिंदू नहीं रहते, वो पूछते हैं। अच्छा तो रहते हैं कि नहीं रहते? हिंदू इधर नहीं है, वो उधर है, दूसरी तरफ है, हमारी वाली साइड। हाँ वो उधर मकबूजा कश्मीर में। अच्छा मकबूजा नहीं, वो कहते हैं मुसलमान वाली साइड में। हिंदू किधर गए जब बना था ये? नहीं इधर नहीं है, वो पहले जमाने में थे, अभी इधर नहीं है। इधर से चले चले गए। हाँ चले गए चले गए चले गए। और चले सही। अच्छा भाई आप फिर ये रात को बर्फ पड़ी है इधर? हाँ मैं पीछे मैंने बर्फ देखी है। जी जी ये ताज़ा बर्फ है बिल्कुल बिल्कुल। पहली बर्फ पड़ी है ना? जी 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 कितना खूबसूरत। हाँ अभी इससे आगे भाई जाओगे तो शारदा आएगा, वो भी बहुत खूबसूरत जगह। अच्छा चलो सही है। ठीक है ठीक है भाई, मेरा नाम आलम हुसैन है। मैं आपकी बना देता हूँ। जी ये भाई है माशाल्लाह, इन्होंने वीडियो बनाई है। मैं इधर के ही रहने वाला हूँ। अच्छा इधर के ही रहने वाले। और कोई इसके अलावा यहाँ से कोई फायरिंग वगैरह तो नहीं करते इंडिया वाले? फायरिंग की है ना आज से एक साल पहले इधर। ये जो सामने वाले मकान है ना, ये सब जले थे, ये इंडिया वालों ने ये इधर फायरिंग की। ये सामने जितने भी मकान है ये जल गए थे? हाँ ये दोबारा बने हैं। सफेद वाले नहीं है? हाँ 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 वो पीछे। अच्छा ऊपर ठीक हो गया। ठीक है तो पाकिस्तानी नहीं फिर करते यहाँ से फायरिंग? अस्सलाम वालेकुम। जो भी कार्रवाई में पाकिस्तानी में करते हैं। अच्छा या पहले पाकिस्तान करते हैं? नहीं नहीं पहले इंडिया ही करता है, पाकिस्तान किधर करता है। चलो सही है, वो उनके अपने माल वो काम है, जो मर्जी करें। देख रहे हैं आप बर्फ। मेरा ना कैमरा खराब हो गया लगता है, वीडियो बना नहीं रहा, आगे बहुत ज्यादा बर्फ है। ओए बिस्मिल्लाह या अल्लाह पाक, खैर खरीत से पहुंच जाऊं और खैर खरीत से वापस घर चला जाऊं। बहुत रिस्की है, बस ये फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम है, उसके बाद ऐसी हरकत नहीं करनी। बस खैर खरीत से घर पहुंच जाऊं वापस, अभी तो आगे जा रहा हूं, वापस भी आना है। देख लें खुद भी देखने के लिए और आप लोगों को भी दिखाने के लिए वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को यहाँ पर लाइक ज़रूर कर दें। ये चेक करें, ये वो पत्थर है जो आपको गर्मियों की वीडियो में दिखाया था, गर्मियों में जब इधर आया था। क्या खूबसूरत नजारे हैं यार, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। उतराई आ गई है, नीचे मैंने पैर भी एक लगाया हुआ है, पता नहीं आगे कैसा रास्ता होगा। अभी तो 15 किलोमीटर सफर पड़ा हुआ शारदा तक, और केल तो उससे भी आगे है 20-25 किलोमीटर। इधर खूबसूरती चेक करें, मैं इधर उधर ज़्यादा देख भी नहीं सकता, स्लिप हो जाती है बाइक को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ। एक दफ़ा बाइक जो है ना वो फिर स्लिप हो गई है, और अब मैंने उसके ऊपर रस्सी चढ़ा ली है, देखते हैं अब रस्सी से क्या फ़ायदा होता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये बाइक खड़ी हुई है और वो टायर के ऊपर आपको रस्सी लपेटी हुई नज़र आ रही है, अब देखते हैं ये क्या काम करती है, ये भी पहला एक्सपीरियंस है। मैं जो हूँ वो इस टाइम कमरे में पहुँच चुका हूँ, कमरा मैंने ले लिया है, और मैं आप लोगों को शुरू से बताता हूँ कि आप कह रहे होंगे कि अचानक ही अभी उधर रोड पे था और इधर किधर कमरे में आ गया। तो बात कुछ इस तरह है कि मेरा जो GoPro का जो था ना कैमरा, वो लगता है ख़राब हो गया या बैटरी उसकी जल्दी एकदम ख़त्म हो जाती है। सर्दी इतनी पड़ रही है कि कुछ समझ नहीं लग रहा, बैटरी फ़ौरन ख़त्म हो रही है और सही तरीके से कैमरा काम नहीं कर रहा, इनके वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही। तो वो मैंने पैक करके रख दिया था,
मोबाइल से थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है, तो उसके बाद मैंने मोबाइल भी बंद करके रख दिया था क्योंकि रास्ता जो था बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, बाइक स्लिप हो रही थी, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। ये कमरा मैंने करवा लिया है और शुक्र है यार, ये कमरा जो है ना ये सस्ता मिला है, 500 रुपये में मुझे कमरा ये मिल गया, ठीक है। तो बस यही है, सुबह इंशाल्लाह उठेंगे और आगे केल की तरफ जाएंगे और औरंग केल भी दिखाएंगे, वहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर भी है, ठीक है। अब वीडियो को आप लाइक कर दें, देख लें कि सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बनाते हूँ, क्योंकि आप रह के वीडियो को लाइक नहीं करते, ठीक है। वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।